टूथपेस्ट, नमक और कैल्शियम के डबल फॉर्मूला के साथ। शादी से पहले सोचा तो था, इधर उधर दिल होता तो था। शादी से पहले सोचा तो था, इधर उधर दिल होता तो था। कहीं छिन जाए ना आजादी, गिर खिले ना सपनों की बातें। एक रिश्ते में बंध कर लेकिन जोड़ ले छूटे न पिया का आंगन, कभी छूटे न पिया का आंगन। वक्त चला कर देख ले पत्थर, तोड़ न पाएगा ये दर्पण। कभी छूटे न पिया का आंगन, कभी छूटे न पिया का। केला ले लो मीठे मीठे, ताजा ताजा केला ले लो भाई, केला ले लो भाई। डॉक्टर का कहना है सुबह सुबह केले खाकर दिन बहुत अच्छा जाता है, ऐसे आदमी स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग भाई, केले ले लो, स्ट्रांग बनो और केले ले लो। केले ले लो भाई, केले ले लो, स्ट्रांग बनो भाई साहब, केले ले लो ना भाई। अरे ये तो वही है ना जो उस दिन मूंगफली बेच रहा था, आज केले बेच रहा है। अरे सर, मूंगफली बहुत छोटी थी, केले बहुत बड़े मीठे मीठे, ले लो ना सर। अबे इतने मीठे हैं तो तू ही खा ले। और सुबह घर के हालात अभी ठीक नहीं हुए, मुझे कुछ सुनने का समय दो, उसके बाद जो तुम चाहोगी मैं सही होगा। तुम्हारी हर बात पे यकीन किया था, फिर भी तुमने मेरे पैर का इतना बड़ा मजाक बना दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस बेवफाई को मैं सहन कर पाऊंगी या नहीं। बेटा आज तूने फिर खाना नहीं खाया। माँ मुझे भूख नहीं लग रही थी। भूख कैसे नहीं, तू फिर उस मकार के बारे में सोचने लगी है ना। कितनी बार तुझे कहा है बेटा, उन सब बातों को याद करने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन तू समझती नहीं। माँ हम हर चीज पर काबू कर सकते हैं, लेकिन यादों पर नहीं। कुछ अच्छे वक्त भी विकी के साथ गुजारे थे, जो मुझे रह रहकर परेशान करते, जो मुझे ये यकीन नहीं होने देता कि विकी ने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया। अक्षरा मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। बेटा मुझे तुझसे मतलब है, तेरे उस अतीत से नहीं जिसमें वो धोखे पास था। नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा। नहीं जा रहे, वेरी गुड। ठीक है तो फिर ना हम साथ बैठ के खाना खाएंगे, उसके बाद शाम को घूमने जाएंगे और खूब सारी बातें करेंगे। चलोगे मेरे साथ? हाँ, मेरे साथ खेलोगे ना तुम? मंतश्रम बस बहुत सारा काम, तुम्हारे साथ खेलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है श्लोक, क्या हो गया तुम ऐसे गुस्सा क्यों हो गए? मेरे से कोई गलती हो गई क्या? मंतशा प्लीज मुझे परेशान मत करो, अपने कमरे में जाओ, जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊं, पहले तुम मेरे को बताओ क्या हुआ। कौन है श्लोक? मंतशा मंतशा प्लीज अपने कमरे में जाओ। ठीक है मत जाओ,
यहीं पे बैठो। तुम्हें जो करना है करो, सिर्फ मेरा दिमाग मत खराब करो प्लीज। श्लोक लेकिन हाँ मिस्टर झा, वो कमाल का आइडिया है। कम इन। लगता है इन लोगों ने कभी किसी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा, इसीलिए तो मजबूर खुद की देख रहे हैं। हाँ सीमा, वो डॉक्यूमेंट्स तुमने रेडी कर दिया? कैन यू प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर सम टाइम। क्योंकि तुम यहाँ कैसे? आई मीन ये मेरा ऑफिस है जुमकी। तो मैंने कब मना किया कि तुम्हारा ऑफिस नहीं है? अच्छा, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं यहाँ औरों की तरह काम करने आता हूँ। हो तो फिर तुम ऑफिस काम करने आते हो तो दिल क्या घर पे छोड़ के आते हो? पता नहीं, तुम और श्लोक भैया के दोस्त। ओ माय गॉड। मतलब ये सैंडी जी कि श्लोक भैया मेरे स्वाति भाभी से कितना प्यार करते हैं, वो कितने रोमांटिक है, और तुम हो? चुमकी, मुझे बहुत काम है, और ये फाइल्स देखो, इतने सारे फाइल्स चेक करने मुझे, और अगर इसमें मैं सारा दिन लगा दिया ना तो भी कंप्लीट नहीं होगा, तो प्लीज तुम। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ कि तुम थोड़ी देर आराम कर सको और मेरे साथ बात करके थकान भी मिट जाएगी। चुमकी, कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। I'm all right, yeah? Look at me, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और मुझे आराम करने की कोई जरूरत नहीं है, तो प्लीज तुम घर जाओ। ऐसे कैसे चली जाऊं? तुम यहाँ ऑफिस में कितना मेहनत करते हो, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा साथ दूं? Hey, तुम्हें पता है अभिषेक बच्चन जब शूट पे जाता है ना, तो मैंने ये सुना है कि ऐश्वर्या अपने हाथों से बनाया हुआ खाना लेके जाती है सेट पे। हे, मुझे एक मस्त आइडिया आया, पता है क्या? मैं कल से तुम्हारे लिए अपने हाथों का बनाया खाना लेके आऊंगी। हाँ देखो ना, तुम कितने कमजोर पड़ गए हो कैंटीन का खाना खाके। कल से नैला बेटा। नानी। नानी कैसी है मेरी बच्ची? आप पहले बैठो, बैठो। नानी कैसी हैं आप? और यहाँ कैसे? बेटा, शहर बदल लेने से रिश्ते नहीं बदलते। तुम सहारनपुर छोड़कर चुपचाप यूं चली आई, मुझे भी नहीं बताया। नानी माँ, I'm sorry, दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ? कोई परेशानी थी तो मुझसे बताती, यूं चुपचाप चली आई और मैं वहां कितनी परेशान हो रही थी। क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी पराई हो गई? नानी, I'm sorry, मैं अब कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नानी, मैं भी अपने अतीत की परछाइयों से भागते भागते थक चुकी हूँ, और अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तू किस चीज से भाग रही है नैला, और आखिर ऐसा कब तक चलेगा? एक न एक दिन तुझे अपनी जिंदगी में एक ठहराव लाना ही होगा। नानी माँ, मेरी अपनों ने जो मेरे ऊपर कलंक लगा दिया है उसे मैं मिटा तो नहीं सकती, लेकिन उसे छुपाने की कोशिश में मैं अपने लिए एक घरौंदा भी नहीं बना सकती। हाँ नानी माँ,
एक लड़की के लिए उसके सर पर उसके माँ बाप का साया होना जितना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी होता है उसके पिता का नाम का होना। आप ठीक कह रही हैं नानी माँ, इस तरह भाग भाग कर मैं अपने माथे पर लगे हुए कलंक को कभी नहीं मिटा सकती। ये तू क्या कह रही है नैला? अरे तुझ पर कोई कलंक नहीं है। नानी, आप ये बात बहुत आसानी से कह सकती हैं, क्योंकि आपने कभी उन तीखी नजरों का सामना नहीं किया जो चीख चीख कर मुझसे कह रही है कि मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है, मेरा पिता कौन है। नानी, एक नाजायज औलाद कहलाना क्या होता है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ नानी माँ। स्वाति, अरे बुआ जी आप, क्या बात है? तुम बताओ क्या बात है, तू कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है ना? नहीं तो भला मैं आपसे क्या छुपाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी लंबी उम्र में बहुत कुछ देखा और सुना है, इतने अनुभव के बाद किसी से कुछ कहने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। स्वाति, मुझे तुम्हारी आंखों में सवाल दिख रहा है जिसका जवाब तुम खुद ढूंढने की कोशिश कर रही हो। सवाल? कैसा सवाल? नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, मैं जानती हूं। तुम ये सोच रही हो ना कि तुम्हारे मन की मुराद कब पूरी होगी, इस घर को वारिस कब मिलेगा, माँ तारा देवी तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेगी या नहीं। माँ तारा देवी को की गई हुई प्रार्थना अगर सच्चे मन से की जाए ना तो माँ जरूर स्वीकार करती है। कहते ना, उसके घर से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता। तुम्हारी भी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तो है तुम्हारे से। स्वाति बेटा, तुम थक गई होगी, जाकर आराम कर लो, माँ तारा देवी सब ठीक कर देगी। बुआ जी, अब मैं आपको सच कैसे बताऊं? अगर आपको सच का पता चल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। नहीं, मुझे हर हाल में ये बात खुद तक ही रखनी होगी। किसी भी हालत में श्लोक को उसके परिवार की नजरों में कितने नहीं दे सकती।